आपको पता है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। और फिर भी आप सोचते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, सुबेरे जल्दी उठ के पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, रात में लेट तक पढ़ूंगा। लेकिन ये सारी सिचुएशन जब अपने समय पे आती है तो आपका माइंडसेट बदल जाता है। आप ऑलरेडी थके होते हो, क्यों? आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। और पढ़ाई में इंटरेस्ट कब आएगा? जब आप पढ़ाई के साथ अपने सपनों को जोड़ोगे, अपने माता पिता के सपनों को जोड़ोगे, अपने आप से पूछोगे कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं पढ़ूंगा तो मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर पाऊंगा, मैं पढ़ूंगा तो मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए क्या कर पाऊंगा, मैं पढ़ूंगा तो मैं अपने लिए क्या कर पाऊंगा। आप ये सोचिए कि जब आप पढ़ेंगे तब आप एक सरकारी नौकरी ले पाएंगे, और जब आप एक सरकारी नौकरी ले पाएंगे तब आप अपने पूरे परिवार का जीवन बदल पाएंगे और साथ में अपना भी जीवन बदल पाएंगे। एक सरकारी नौकरी लेने के बाद जब आपका पहला दिन होगा ना, जब आप वो आई कार्ड लेके अपनी जेब में निकलोगे सर्विस के लिए, तो उस पहले दिन के बारे में सोचो, क्या रुतबा होगा, क्या सोच होगी। उस पहले महीने की सैलरी के बारे में सोचो, जब आपके अकाउंट में 25,000-30,000 रुपए आएंगे, उस पैसे से अपनी माँ के लिए साड़ी, अपने पिताजी के लिए कपड़े, अपने भाइयों बहनों के लिए मिठाई खरीदोगे। उस दिन के बारे में सोचो जब आप पूरे साल की सैलरी इकट्ठा करके कहीं जमीन खरीदोगे, कोई गाड़ी खरीदोगे। आप उस समय के बारे में सोचो जब आपकी शादी होगी एक अच्छे परिवार में एक अच्छी लड़की से। उस समय के बारे में सोचो जब आप अपने पिताजी के लिए एक महंगी गाड़ी खरीदोगे, जब अपनी माता के लिए महंगे महंगे गहने खरीदोगे। उस चीज़ के बारे में सोचो। ये सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं मिल सकती, बिना पढ़े नहीं मिल सकती, मेहनत करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर सोचोगे तो इंटरेस्ट अपने आप बनेगा पढ़ने में, नहीं तो केवल सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से दोपहर, ये चीज़ें होती जाएंगी, आपका दिन बीतता जाएगा। अपने परिवार वालों को आप बोलते रहोगे, बेवकूफ़ बनाते रहोगे कि मम्मी पापा रेलवे का फॉर्म आया है, SSC का फॉर्म आया है, मुझे भरना है, मुझे पैसे चाहिए। और ये करते करते कब आपके 25-30 साल निकल जाएंगे आपको भी समझ नहीं आएगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पढ़ाई से दूरी बनानी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आपके माँ बाप कहेंगे बेटा अब हमारे बस की नहीं है, कुछ काम करो, कहीं प्राइवेट नौकरी करो। और फिर आपको समझ में आएगा कि जब मैं 2-4 साल पहले एक वीडियो देखता था, उसमें एक बंदा मुझे चिल्ला के कहता था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ो, तब मैं केवल वीडियोस देख के 5 मिनट के लिए आंसू बहा के और फिर वापस उसी ट्रैक पे आ जाता था कि नहीं पढ़ना, कल पढ़ना है, परसों पढ़ना है, रात में पढ़ना है। पर मैं पढ़ता नहीं था। आज उसी का मुझे खामियाजा भरना पड़ रहा है कि मुझे 8,000-10,000 की नौकरी करनी पड़ रही है। मैं आज भी कहता हूँ कि 2-4 साल बाद भी आप केवल 8-10 हज़ार की ही नौकरी पाएंगे अगर आप पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ये समाज आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आप आगे अपनी काबिलियत पर ही बढ़ पाओगे। आप ढेर सारी पढ़ाई करो, ढेर सारे घंटे पढ़ो, 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आज नहीं पढ़ोगे तो कल आपको रोकने वाले सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। तुम्हारा मन कहता है पढ़ो, तुम्हारा दिल कहता है पढ़ो, लेकिन फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने दिमाग में बहुत सारा प्रेशर लेके बैठे हो। अगर ये प्रेशर हमेशा लेके बैठे रहोगे ना तो ज़िंदगी में कभी कुछ होगा नहीं। चाहे कितने भी संसाधन कम हो, चाहे कितने भी कम सोर्स हो आपके पास, उन्हीं सोर्स को लेके शुरू हो जाओ। जय हिंद।